और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे, बता दें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के जो पेपर है वो लीक हुआ था, उसी के मामला जो है सामने आया। आपको बता दें ग्वालियर के सहायक केंद्र अध्यक्ष व केंद्र अध्यक्ष समेत 9 को सस्पेंड किया गया है। परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, बता दें वायरल परीक्षा पेपर की चल रही है जांच। वहीं ग्वालियर कलेक्टर अक्षय से कुमार सिंह ने दिखाई है सख्ती। आपको बता दें पुलिस थाने से प्रश्न पत्र निकालने को लेकर ये सतर्कता जो है वो बड़ी है। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र खोलने तक पचवारी रहेंगे मौजूद। वही आपको ये भी बता दें परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहेंगे तमाम प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वही कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और एडीएम और एसडीएम भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको जानकारी दे दें, जिस तरह पेपर वायरल हुआ है उसके बाद सख्ती दिखाई जा रही है। एमपी में बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामला सामने आया था, बता दें ग्वालियर के सहायक केंद्र अध्यक्ष समेत 9 लोगों को इस पूरे मसले पर सस्पेंड किया गया है। वही परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, तो सोशल मीडिया पर पेपर जो है वो वायरल हुआ था। वही अगली परीक्षाओं के लिए कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई भी की गई है और सख्त कदम जो है वो भी उठाए जाएंगे। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में बोर्ड परीक्षा पेपर लीक का मामला जो सामने आया था, ग्वालियर के सहायक केंद्र अध्यक्ष समेत 9 लोगों को सस्पेंड किया गया है। वही परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस पूरी घटना को देखते हुए अब जो आने वाले दिनों में परीक्षाएं होनी हैं उन्हें लेकर सख्ती जो है वो भी बरती जाएगी। अगली परीक्षाओं के लिए कलेक्टर जो है सख्त है और सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो एमपी में बोर्ड परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में ग्वालियर के सहायक केंद्र अध्यक्ष समेत 9 लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। संतोष ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आप सबने देखा था कि पेपर किस तरह लीक हुआ था, सोशल मीडिया पर पेपर जो है लगातार वायरल हो रहा था। अब इसी को देखते हुए तो आगे आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं होंगी उन्हें लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्या जानकारी? देखिए साधु, जो मध्य प्रदेश की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है इसमें एक पेपर लीक हुआ था विगत दिनों और पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तेजी से और इस मामले में सख्ती अब जो शिक्षा विभाग ने जो ग्वालियर के सहायक केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष और केंद्र अध्यक्ष है इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भवानी के राजगढ़ के जो केंद्र अध्यक्ष है लगभग 9 उनको भी सस्पेंड किया है। इस मामले में अगर बात की जाए तो अब सख्ती बरती गई है। ग्वालियर कलेक्टर ने एक बैठक बुलाई थी, इस बैठक में सख्त निर्देश दिए। अब थाने से परीक्षा जो परीक्षा सामग्री है वो केंद्र तक पुलिस की निगरानी में जाएगी। इसके अलावा पटवारी की ड्यूटी लगाई गई है, पटवारी जब तक वो पेपर खुल नहीं जाएगा, पूरी चीट नहीं खुल जाएगी तब तक वहाँ मौजूद रहेंगे और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर खुद मौजूद रहेंगे, इसके अलावा सीईओ, एसडीएम, एडीएम के अलावा जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार ये भी वहां मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है अब जिस तरह से शिक्षा विभाग ने सख्ती बरती है उसके खिलाफ से उसका असर भी दिख रहा है। अब ग्वालियर के कलेक्टर ने जिस तरह से बैठक बुलाई है, अब परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। इसके अलावा जो थाने से परीक्षा पेपर जब जाएगा वो विशेष निगरानी में जाएगा। जी ठीक है, ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।